हेलो फ्रेंड्स, मीराज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के भोग की थाली की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे धनिया प्रसाद। धनिया प्रसाद बनाने के लिए हमने ये कटे हुए मेवे लिए हैं, गुड़ है और 1/3 कप हमने ये धनिया साबुत धनिया है, 1/3 कप ही हम लिए हैं सिंघाड़े का आटा, ये फलाहारी आटा है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाही में 1 छोटा चम्मच घी ले लेंगे, देसी घी लेंगे, और इसे जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें हम धनिया को भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का सा बस, हम लगभग 30 सेकेंड से 40 सेकेंड हम इसे भून लेंगे। और इसे अब हम निकाल लेते हैं, ज़रा भी इसमें जलने वाली खुशबू नहीं आनी चाहिए। अब हम भूनेंगे, थोड़ा सा घी डाल करके मेवों को भूनेंगे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये मखाना। पहले सबसे पहले मखाने को भून लेते हैं और इसे अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक भूनेंगे। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे और मखाना भी हमारा भून चुका है। अब इसमें जो सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भून लेंगे। बहुत देर तक हम नारियल को नहीं भूनेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये पकड़ता है। तो बस हल्का सा ये क्रिस्प हो जाए और हम तुरंत ही निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच फिर से घी डालेंगे और इसमें अब जो बाकी के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भी भून लेते हैं। बस हमें थोड़ी थोड़ी देर ही भूनना है। अब हम भूनेंगे ये सिंघाड़े का आटा, 1/3 कप है, और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ना आ जाए कलर। तो इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। लगभग ये हमारा ये सिंघाड़े का आटा भून चुका है और ये फलाहारी आटा है। अब हम ये ठंडा हो गया है तो अब हम धनिया को पीस लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं, इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं, फिर इसमें हम गुड़ को मिलाएंगे। अभी गर्म है, गर्म में हम नहीं मिलाएंगे, नहीं तो वो फिर बंधने लगेगा। और ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे ये पाउडर किया हुआ धनिया और गुड़ को। आप गुड़ के स्थान पर शुगर भी डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी या ये शुगर, ब्राउन शुगर, बूरा भी डाल सकते हैं। तो आप जो भी इच्छा हो उस तरह से इसमें मिक्स करें। और हम इसमें गुड़ ही से इसका बनाते हैं प्रसाद। तो हमने गुड़ डाला है, ये देखिए हमारा धनिया प्रसाद बनके तैयार है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रसाद की तरफ। थोड़ा सा हम लेंगे फिर से देसी घी और इसमें अब हम इसे गर्म हो जाने देंगे और हम इसको मेलन सीड्स को पफ होने तक ऐसे भून लेंगे, बस सिर्फ हल्का सा ये फूल जाए। ये फूल चुका है, देखिए बिल्कुल से अच्छा सा फूल गया है। अब इसमें हम तब तक उसे ठंडा होने देते हैं, इसकी चाशनी बना लेते हैं। हम इसकी बनाएंगे बर्फ़ी और जी शुगर को हम मेल्ट होने देंगे। इसकी हम बनाएंगे लगभग 2 तार की चाशनी हम इसे बनाएंगे। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था, लगभग 1 छोटा चम्मच, और इस तरह से हम जब तक ये पूरी तरह से चाशनी बनके तैयार नहीं हो जाएगी हमें लगातार इसे चलाते रहेंगे। और ये देखिए बुलबुले से उठने लगे हैं, चाशनी भी हमारी 2 तार की बन गई है। अब इसमें हम इस सीड को डाल देंगे और थोड़ा देर इसे हम गाढ़ा होने देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। बस आप जितनी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ठीक उसी तरह से, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा होकर के कम हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे ये कटे हुए नारियल भी, इसमें बहुत अच्छा सा बर्फी में टेस्ट आएगा, तो नारियल ज़रूर डालें। अब हम निकाल लेते हैं इसे प्लेट में और इसे
ठंडा होने देते हैं, हल्का सा जब गुनगुना रहेगा तब इस पर हम कट के निशान लगाएंगे। ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुना है, तभी ये निशान पड़ पाएंगे, नहीं तो हार्ड होने पे ये आसानी से कटेगा नहीं। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद फिर से हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और इसे छोड़ देते हैं, जब ये ठंडा होगा फिर इसे हम निकालेंगे बर्फ़ी को। तब तक हम अगले भोग की तैयारी करते हैं। एक गिलास हम दूध ले लेंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। हम बनाएंगे मेवे वाली खीर। ये ड्राई फ्रूट जितने हैं कटे हुए इसमें हम मिक्स करेंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। अच्छी तरह से जब ये गाढ़ा हो जाएगा इसमें हम डाल देते हैं अब 2 टेबलस्पून पिसा हुआ चीनी है। आप चाहे तो ग्रैनुलर वाली चीनी भी डाल सकते हैं, ये तो पिसा हुआ हमने रखा था तो उसे हम मिक्स कर ले रहे हैं और इसे थोड़ी देर गाढ़ा होने देंगे। तब अब हम चलते हैं दूसरे भोग की तरफ। हम तैयारी करेंगे ये पंचामृत की, जो कि भोग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भोग है ये। इसमें हम ले लेंगे 1 कप गाढ़ी फ्रेश दही, दही बिल्कुल खट्टी ना हो, और इसमें डालेंगे 1 कप गाय का कच्चा दूध। दूध जो है कच्चा ही लें आप। और हम डालेंगे इसमें गंगा जल, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर भी और ये सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये मखाना भी इसमें डाल देंगे, मखाना बहुत अच्छा जाता है पंचामृत में, और तुलसी के बिना तो पंचामृत बिल्कुल अधूरा है। और थोड़ा सा हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हम शहद भी डालेंगे और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये पंचामृत हमारा बनके तैयार है। और इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा मीठे को एडजस्ट करने के लिए 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर और इसे मिक्स कर देते हैं। अब ये कृष्णा के भोग के लिए पंचामृत तैयार है। और ये हमारे कृष्णा के जन्माष्टमी पर ये भोग की थाली तैयार है। अगर आपको ये हमारे भोग की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।